अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि आपसे हर हफ्ते बात की जाए, अंदली बाबा साहिबा और मुजम्मिल असलम साहब के साथ सियासत पर और मईशत पर। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 2 हफ्ते आप जानते हैं किस तरह की अजीब सा सियासी माहौल रहा, कैसी सियासी गर्मा गर्मी रही। तो उस पर आज इसकी वजह से हम बात नहीं कर सके, तो आज उस पर बात करेंगे। अंदलीब साहबा, पहले आपसे बात करूंगी। मैं जो देखा जो पिछले तकरीबन 72 घंटों में, तो मेरी जो फीलिंग थी ना, वो बहुत मिक्सचर सी फीलिंग रही। एक तरफ तो मैं देखती थी पाकिस्तानी अवाम, हमारे सियासी कारकुन, उनका जोश, उनका जज्बा, उनकी बेदारी जो थी वो मतलब बहुत यानी एनकरेजमेंट दे रही थी मुझे, और मुझे देख रही थी, मैं देख रही थी कि हमारी एक कौम जो है वो जाग रही है। हम अपने लीडर को देख रहे थे, इमरान खान साहब को, कि वो कैसे कितने पुरसकून हैं, इतना मतलब हम लोग जो है वो एंग्जाइटी का शिकार हैं, लेकिन वो इतने पुरसकून हैं। वो डिफरेंट इंटरनेशनल मीडिया के लोगों से बात करें, अपने अपने कारकुनों के दरमियान आके खड़े हो गए, और यानी वो एक। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे थे कि रियासत अपने ही लोगों पर जुल्म कर रही है। तो ये जो मतलब मेरी फीलिंग बहुत मतलब मिक्सचर थी, बहुत एंग्जाइटी भी थी, लेकिन एक तरफ से अच्छा भी लग रहा था। तो आपने, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत क्लोजली देखा है, बल्कि खुद अपनी आंखों से देखा है, तो आप हमें इस बारे में बताएं कि आप क्या फील कर रही थी और आपने क्या देखा, क्या वहां पे माहौल था। शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम। बिल्कुल आपने सही कहा, वो एक होता है ना खिड़की तोड़ हफ्ता, वो कई दफा आप कहते हैं कि ये खिड़की तोड़ हफ्ता था। तो ये तो जिसको कहते हैं मैदाने जंग था, और हर जंग के अंदर ना कुछ हीरोज होते हैं और कुछ जीरोज होते हैं। और मैं इसमें सबसे बड़ी बात जो कहूंगी ना, जो मैंने वहां देखी, मैंने देखी कि वो जो सारा हमारे मजहब में भी आता है ना कि 1300 आगे से आ रहे थे और 300 यहां से थे, लेकिन जज्बे ने, स्पिरिट ने, रिजॉल्व ने, जोश ने, वो इतना जबरदस्त मुजाहरा था कि सारी ताकत, सारी रियासत की ताकत, हुकूमत की ताकत। मुझे जो दुख हुआ डॉक्टर तस्लीम, वो ये क्या था, मतलब आप वहां जाते हैं, आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं हेलीकॉप्टर ऊपर से आ रहे हैं, नीचे बख्तरबंद गाड़ियां, केमिकल्स, वाटर कैनन, शेलिंग, गोलियां, आप मतलब ऐसा माहौल नहीं लग रहा था कि ये अपने ही लोगों पर ये जो जुल्म हो रहा है। कोई आप इसराइल में, पैलेस्टीन है, क्या है, और निहत्ते लोग वहां खड़े हैं और आप आके उन पे ऐसा अटैक करते हैं, ये सबसे तकलीफदेह बात थी। लेकिन मैंने जो देखा कि लोगों ने जज्बे के साथ, वहां हर उम्र का, हर क्लास का बच्चा था, टेडी बच्चे भी थे जो अपने डिजाइनर कपड़ों में आए हुए थे, बिल्कुल फटे हुए शलवार कुर्ते के साथ भी थे, 80 साल का बिल्कुल बंदा भी था, 8 साल का, 8 महीने का बच्चा दूध पीता हुआ वो भी था, औरतें भी थी, मर्द भी थे, केपी से लोग थे, पंजाब से लोग थे, हैदराबाद से लोग थे, हर जगह से लोग थे और वालेहाना थे। और जिस तरह से सारी रात जितनी इन्होंने जहरीली, इस दफा जो केमिकल था ना, वो आपके यहाँ पड़ता था तो छाला बन जाता वो था, कह कोई रहे थे तेजाब शायद डाला उसमें हुआ था कुछ एसिड, हाँ जी एसिड मिक्स किया हुआ था जी। थी। वो इन्होंने तेजाब मिक्स किया हुआ था, उससे आपकी आंखें जो थी उबलना शुरू हो जाती थी। तो लेकिन जिस तरह से लोगों ने वहां फेस किया, क्यों फेस किया, इसलिए कि ये एक वाकई हक व बातिल की जंग थी। केस बिल्कुल क्या बिल्कुल है, तोशाखाना, तोशाखाना केस पे एक इस्तगासा है, लीगली इस्तगासे पे आप अरेस्ट नहीं कर सकते, हाँ वो जी, जब आके आपने फॉर लिया हुआ है, बेल भी ली पुलिस थी 18 तक जी। की, सारे आके एक ऐसे आदमी को जिसपे आपने गोलियां मारी है, जो कि नहीं जा सकता, जिसके मेडिकल रीजंस है, जिसके कातिल को आपने अलाउ किया हुआ है कि जी वो वीडियो लिंक से बोल पड़े, आप उसको पकड़ने आए, तो सारे खड़े थे शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह, घरों के अंदर। हम औरतों को पीछे लेके गए कि उनके मुंह पे आ रहा था, घरों के अंदर इन्होंने वाजमान पाक की, औरतों के ऊपर इन्होंने शेलिंग की, नोइंग के औरतें अंदर हैं, इन्होंने बिल्कुल कोई लिहाज नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो तोशा खाना इनका खाना खराब कर दिया है, तोशा खाना, बिल्कुल जैसा बिल्कुल। तो वो खाना पे जी जो जी घड़ी चोर कहते थे ना, घड़ी घड़ी, वो इनके जी लिए घड़ी जो है वो बहुत ही बुरी घड़ी साबित हुई है, एक नाजुक और
बुरी घड़ी में वो मसरूफ हो गए, उसका मैं आपको जरा बाद में बताऊंगी। आप हाँ जी, मैं कह रही थी कि उस पे हम बात करते हैं, क्योंकि उसमें तो वो कारनामों की एक लंबी फहरिस्त है, तो उस पे भी हम बात करते हैं अभी। मैं जैसे आप ये बता रही थी कि जिस तरह उन्होंने इमरान खान साहब के घर पर भी शेल फायर किए, मैं ये सोची थी कि वो 15 मार्च का दिन था, और 15 मार्च पूरी दुनिया में मुसलमान किस दिन को मनाएंगे, इस्लामोफोबिया को, बल्कि समझे पूरी दुनिया मनाएगी, ना सिर्फ मुसलमान, कि इस्लामोफोबिया को कम्बैट करने का दिन है। लेकिन उस दिन किस शख्स पर के घर पर हमारी अपनी रियासत शेल फायर कर रही थी, जिसने इस दिन का मुकदमा लड़ा, तो बहुत इनके लिए शर्म का मकाम है, लेकिन शर्म भी उन्हीं को दिलाई जा सकती है जिनको शर्म महसूस होती हो। तो ये बहरहाल आपने जैसे कहा कि एक तरफ हमने जज्बा देखा, बहुत अच्छा, मतलब पॉजिटिव बात है कि हमारी कौम जो है वो अवेयर है, और एक तरफ से हम अपनी रियासती जो है दहशतगर्दी वो देख रहे हैं। नेक्स्ट मुजम्मिल साहब, आपसे बात करना चाहूंगी कि आप अगर इस पे कुछ ऐड करना चाहें वो भी कर दें, मैं फिर आपसे माशी सवाल भी साथ में ले लेती हूँ। माशी सवाल मैं ये करना चाहूंगी, देखिए मरियम ने कुछ बयान दिया, मरियम सफदर साहिबा ने, कि ये जो IMF हमें डील नहीं दे रहा, वो कुछ इमरान खान की वजह उसमें मौजूद है, मतलब इमरान खान उसकी रीजन है, एक तो ये बात की, और एक कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद IMF चाह रहा है कि कुछ और ममालिक जो है वो उसमें गारंटियर बने। तो आप बताएंगे क्या आप वो है, दोनों पे आप अगर ऐड करना चाहें तो। देखें जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम दिलीप। सबसे पहले तो मैं आपको एक ये बात कहना चाहूँगा कि जो इमरान खान ने जो इमरान खान साहब की ना एक जो मेरी जो फीलिंग है उनके बारे में वो ये है कि पाकिस्तान को एक हकीकी लीडर, एक हकीकी जिसे कहते हैं सिपे सलार, वो मिल गया, जिसकी तलाश कायदे आजम के बाद थी, ठीक है ना। बिल्कुल, मैं तो कायदे आजम के दौर में नहीं था, हमने तो जो किताबों में पढ़ा वो पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद हमें कभी कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं इमरान खान के दौर में जीता हूं, ठीक है। जब मुझे उनका स्टेटमेंट याद है कि जब इंडिया ने जब हमला किया था पाकिस्तान पे, बालाकोट पे, तो उसके चंद घंटों में अंदलीप तो विटनेस होंगी, असेंबली में बैठी हुई थी, इमरान खान साहब ने आके बोला था कि हम इसका जवाब देने का सोच नहीं रहे, हम इसका जवाब देंगे। और फिर अल्लाह ने जो है 24 घंटे के अंदर हमने जवाब दिया, और जो कामयाबी हमने समेटी, शायद वो F-16 वाले भी जो है जिन्होंने बनाया था वो भी इस इंतजार में थे कि कोई ऐसी कामयाबी जो है समेटे पाकिस्तान, ठीक है ना, और पूरी दुनिया में उसका डंका बजा। फिर उसके बाद आपने देखा कोरोना और 10,000 चीजें आई, उसको छोड़ दिया। फिर इमरान खान के अंदर वो करिश्मा है कि वो जब हुकूमत से निकला, इसने पूरी कौम बना दी, बिल्कुल मतलब शऊर जगा दिया। आप ये देखें कि इमरान खान का जो कल 15 मार्च का वाकया था, इसमें गिलगित बल्तिस्तान, पिशावर, लाहौर, मुल्तान, कराची, क्वेटा, मुझे कोई पाकिस्तान का कोना बताएं जहां से इमरान खान के साथ यकजहती के लिए लोग ना निकले। एक तो अपने शहरों में निकले, बल्कि उल्टा वहां पे इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए पहुंच गया। फिर उसके बाद आप आते औरत, मर्द, जवान, बूढ़े, बच्चे, मतलब एक वो चीज आ गई सामने। फिर तीसरी चीज जो हमेशा पाकिस्तान में एक शिकायत रहती थी कि जी सुन्नी शिया फला फला फला, एक कौम एक जगह इकट्ठा करके इमरान खान, बिल्कुल ये मैं आपको बताऊं, जो 15 मार्च के मनाजिर थे ना, 14 और 15 मार्च के मनाजिर, ये पाकिस्तान के दुश्मन, मैं पाकिस्तान के अंदर के लोगों की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान के दुश्मन बाहर बैठे हुए, बाहर के मुल्कों में दुश्मन ममालिक जो हैं, उनको ये बात हजम नहीं हुई होगी कि पाकिस्तान को ऐसा सॉलिड लीडर मिल गया है, और अगर ये हुकूमत में आता है तो ये तो पाकिस्तान को खुद मुख्तार बना देगा, ये तो पाकिस्तान को कुछ और बनाने जा रहा है। तो ये मेरी थी इसमें गुजारिश छोटी सी। अब आज मईशत पे जो मेरा असल सब्जेक्ट है, ये मेरी सारी जो जज्बातियत थी जो मैंने आपके सामने रखी, जो आपकी फीलिंग थी, बिल्कुल सही। अब जी मरियम सफदर की तो बारे में आप देखें, उसके बारे में बात करें जिसको कुछ पता हो मईशत का, वो अपने आप को जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर बनाकर आई है, उनको क्या पता मईशत क्या होती है, उनको क्या पता IMF प्रोग्राम क्या है,
उनको तो यही नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में IMF के कितने प्रोग्राम है, ये जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है इसका साइज क्या है, उस बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं है, उसको तो जो लिख के दे दो ये शाम को जो है वो मतलब वो मुकर जाती है। अब चंद दिन पहले उन्होंने कहा जब आई थी हुकूमत में तो मुल्क में महंगाई खत्म करेंगे, यूं करेंगे वो करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि जी हमारी हुकूमत 29 नवंबर से शुरू हुई जिस दिन बाजवा साहब गए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा मेरी तो हुकूमत ही नहीं, हमारी तो हुकूमत ही नहीं है। अब परसों उन्होंने फिर या उनको जाग किसी ने जगाया आप ही की हुकूमत है, तो उन्होंने कहा ये IMF का प्रोग्राम है। IMF का प्रोग्राम डॉक्टर साहिबा देखें ये जो है हमारा प्रोग्राम सितंबर 2022 में खत्म हो चुका था। मिफ्ता इस्माइल साहब जिसकी बड़ी इन्होंने जिसे कहते हैं डंके बजाए थे, उन्होंने एक नया प्रोग्राम नेगोशिएट किया, 9 महीने की उसकी एक्सटेंशन ली और 29 अगस्त 2022 को साइन किया। जिसकी पासदारी जो है वो सही किया गलत किया, हमारे इख्तलाफात हैं बहुत ही गलत और भोंडा जिसे कहते हैं उसने प्रोग्राम नेगोशिएट किया था और उसको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब के बकौल पाकिस्तान की मईशत 5% से ग्रो करनी थी, वो मंथली 5% हो रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे उस बजट जो बनाया था उन्होंने 11.5% महंगाई होगी, 31.5% है। जिसके ये तखमीने हों और जिसपे उसने बजट बना के IMF के साथ लॉक कर लिया, ठीक है ना, तो वो बेचारा कितना काबिल होगा उससे अंदाजा लगा लें। ये सिर्फ तकरीरें करते जाके कि जी रात को इतने करोड़ बच्चे भूखे सो रहे हैं, इतने करोड़ बच्चे, में जातियात में नहीं जाना चाह रहा, इनका कारोबार ही बच्चों को चीजें बेचने का है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है पूरी नून लीग का भी यही है, मरियम सफदर भी यही करती रहे, अल्फाज बेचते हैं ये लोग, ठीक है ना, तो वो बिकते भी नहीं है ना, हमारे जैसे लोग आके इनका शीशा दिखा देते हैं। तो जी अब वो इसहाक डार साहब जो आए थे फिर पाकिस्तान में एयरफोर्स के जहाज में, और वो जो है ऐसे जैसे कि कोई पता नहीं कौन से मसीहा, और वो आए और जहाज से उतरते उन्होंने प्रोग्रामों की बौछार कर दी कि जी मैं अभी उतरा नहीं हूँ जहाज में बैठा हूँ, डॉलर ये हो गया, डॉलर की हकीकी वैल्यू 200 है, हम तो 180 पे छोड़ के गए थे। तो अब वो कहते हैं कि जी वो डॉलर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो स्टेट बैंक, ये मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ इनकी मुनाफकत, इनके जो ये लोग हैं, मरियम कहते हैं हमारी IMF हमारा नहीं है, इसहाक डॉलर साहब जो डार साहब जो है वो कहते हैं कि जी ये डॉलर और जो शरह सूद है ना उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बना दी इमरान खान ने। दूसरी तरफ IMF उनके कभी वजीर आजम कहते हैं, हमारी नाक से लकीरें निकाल दी, कभी वजीर खजाना कहते हैं। नौबत ये आ गई कि उनको जो है कारोबारी भी उनके साथ बराह रास्त बैठने के लिए तैयार नहीं थे, तो इनको जो है पिंडी से मदद लेनी पड़ी कि आप बुलाएं उनको, और या तो उन्होंने बुलाया कि आप बताएं मईशत के इतने बुरे हालात हैं, इनको समझाएं कि बताएं क्या है। 10 दिन पहले इन्होंने कहा 2 दिन में IMF प्रोग्राम हो रहा है, वहां बैठ के बोला इन्होंने। आज 10 दिन फिर गुजर गए, IMF का पता ही नहीं है। जो आपने अभी सवाल पूछा, मैं ताकि अंदलीब की तरफ चले जाए हम फिर जल्दी जल्दी, के IMF कह रहा है कि दोस्त ममालिक से भी आप लिखवाएं, हमें तो कभी नहीं बोला था IMF ने, हमें तो कभी IMF ने ऐसा नहीं बोला। हमारी हुकूमत खत्म होने से 1 महीना पहले भी IMF ने हमें 125 अरब डॉलर दिए, कोरोना के दरमियान हमें पैसे दिए IMF ने, IMF ने तो कभी नहीं बोला कि आप ये शरायत पूरी करेंगे तो हम पैसे देंगे, वो लिख के दे देते थे और हम भी उनको करके दे देते थे। स्टेटेड अल्फाज हैं एक डिप्लोमेट के, उसने ये कहा कि IMF शौकत तरीन जो डेटा शेयर करता था ना उससे बहुत कंफर्टेबल होता था, उनको पता होता था ये रियलिटी बेस्ड है, इसहाकदार जो चीज देता है हमें जो है ना चेक करवानी पड़ती है कि इसमें पता नहीं सच्चाई है कि नहीं है। हाँ। ये जो क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी बार बार बोल रहे हैं ना, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी खराब हो गई, क्रेडिबिलिटी ये इसहाकदार साहब जो एयरफोर्स में आए थे ना उनकी मसला है, 25 साल का तजर्बा था इनका, तो ये जानते थे कि IMF को निपटाना कैसे है, वो सारा कुछ धरे के धरा रह गया। तो सूरत हाल जो है बड़ी गंभीर है। मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं बस कि देखिए अब IMF जैसे लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने आना था तो अब बहुत देर हो गई, इलेक्शन तो सर पे खड़ा है, वो उसका बयानिया नहीं बन गया। मेरे हिसाब से IMF को भी जो अक्टूबर में हो जाना चाहिए था ये मार्च में हो गया है, ये बहुत लेट हो गया है, ये अब पाकिस्तान के मसाइल उस तरीके से हल नहीं कर सकेगा जैसे ये पहले कर सकता था, ये शायद रियलाइजेशन IMF के दिमाग में है, इस वजह से ये हुकूमत को लटका रहे हैं। बिल्कुल सही, फिगर्स फज करने के माहिर हैं डार साहब, इसलिए शायद IMF उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। अनलीव साहब, हम बात कर रहे थे कि आपने काका घड़ी की बात यानी तोशा खाना की हम बात कर रहे थे, तो जैसे आप जानते हैं इनके कारनामों की जो फहरिस्त जारी करनी पड़ी, बेसिकली जारी हुई
कोर्ट के ऑर्डर पे, क्योंकि ये तो समझते थे कि अब हम हुकूमत में आ गए हैं और ये शायद फैक्ट्स कभी भी अवाम तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अदालत के हुक्म पर जो है वो फहरिस्त जारी हो गई और तकरीबन 400 से ऊपर जो है वो सफात हैं। इसमें जो फैक्ट्स है ना, जो इसमें बातें हैं, जो घड़ियां हैं, जो डिफरेंट, वो उसमें सिर्फ लालच नहीं दिखता, उसमें नदीदापन दिखता है। यानी आप देखें कि ऐसा नदीदापन है, सुवीनियर्स हैं, पाइनएप्पल्स हैं, बेडशीट्स हैं, कैंडल स्टैंड्स हैं, मतलब ये क्या है, ये इनका अंदर दिखता है। मैं, इन्होंने कभी भी हमें इस बात पे फख्र तो कभी भी नहीं होने दिया कि ये हमारे 3 दफा के वजीर आजम रहे, लेकिन ये देख के तो और शर्मिंदगी हुई है कि ये किस तरह के लोग हैं। और अभी ये फहरिस्त नामुकम्मल है, क्योंकि इनका वो जो असल वक्त था जिस वक्त ये वाकई भूखे नंगे थे, जब ये पहली दफा हुकूमत में आए थे, वो वाले तो फैक्ट्स अभी आए ही नहीं। तो आप बताएं, आप घड़ियों पे बात करनी थी तो आप इस पे ऐड करें। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये एक माइंडसेट है, ये एक वो कहते हैं ना खसलत है, ये जिस तरह से ये पले बड़े हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन इनका इन पे कोई असर नहीं होता एक्सपीरियंस का, एजुकेशन का, मर्तबे का, स्टेटस का, कोई असर नहीं होता। ये एक हवस के पुजारी, लालची और छोटे लोग हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब भाई आप देखें शौकत अजीज को, टॉप ऑफ द लिस्ट है, सिटी बैंकर था, न्यूयॉर्क में काम करता था, सबसे ज्यादा तोहफे उसने लिए 31 घड़ियां लेके गए। तो ये तो घड़ी चोर नहीं, ये घड़ी डकैत हैं, इन्होंने डके डाले। आप देख ले नवाज शरीफ, और ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूं, मेरे ख्याल 40% अभी रिकॉर्ड आया, 60% अभी आना है। नवाज शरीफ ने 17 घड़ियां ली, अच्छा उसमें से माशाल्लाह मरियम ने भी ली, हुसैन नवाज ने भी ली। हुसैन नवाज तो कहता है कि जी मैं तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हूं, और जब खाना पीना लूटना है वो आपने पाकिस्तान से लूटना है। जरदारी साहब ने 11 ली है, ख्वाजा आसिफ साहब जो बड़ा बनते हैं वो मोतबर आके असेंबली में लेक्चर देते हैं, 8 घड़ियां उन्होंने ली। और खाकान अब्बासी साहब जो बहुत ही सादा है, आसिफ का मैं ऐड कर दूंगा, सिर्फ असेंबली में नहीं बोलते वो, अपना जो टपोरी स्टाइल है वो सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी घड़ी घड़ी घड़ी, और अब उनकी अपनी निकल आई जी देखें। और खाकान अब्बासी साहब जो बड़ा फखर से कहते हैं कि मैं तो बड़ा सादा हूँ, मैं तो घड़ी पहनता ही नहीं हूँ, वो घड़ी पहनते नहीं है, उन्होंने 13 घड़ियां ली है। और अभी उनसे पूछा गया कि भाई आप तो घड़ी पहनते नहीं है, तो वो कहाँ गई घड़ियां? माशाल्लाह 3 बेटे, फिर दोस्त है बाप के, मतलब आपने अपने बेटों को भी अपने पैसे से नहीं देना। आप माइंड सेट देखें, आप जहनीत देखें, कि अगर नवाज ने अपनी औलाद को, वो भी अवाम का पेट काट के पैसे देने होते हैं। उसके बाद आप देख लें फातिमी साहब 5 घड़ियां, और माशाल्लाह हमारा मीडिया, मुझे बड़ी खुशी हुई, 2 नाम उसमें आए, मेरे साथ आते हैं ये मुजम्मल के साथ, और मेरे साथ आते हैं प्रोग्रामों में, एक वो आमिर लियास शाला जो अपने आप को इंडिपेंडेंट तजिया कर करता है, और एक सलीम बुखारी साहब, वो भी इंडिपेंडेंट। और मेरी हमेशा उनको मैं एंड में कहती हूँ कि माशाल्लाह आप तो PMLN को ऐसे डिफेंड करते हैं जो मरियम औरंगजेब नहीं कर सकती, तो मेरे साथ लड़ते हैं कि नहीं माँ इंडिपेंडेंट है। माशाल्लाह उन्होंने भी घड़ियां ली हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि वो घड़ी 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 PMLN को क्यों डिफेंड करते हैं, क्योंकि वो घड़ी पहन के उनके और पता नहीं क्या क्या है। लेकिन जो सबसे खूबसूरत बात है कि जी उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ तो बहुत ही सादा है, वो ऑस्टेरिटी पे है, वो तो बिल्कुल नहीं लेते। तो जैसे आप कह रही थी, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, एक कप, एक प्लेट, एक केतली भी ले ली उन्होंने, कॉफी का भी एक ले लिया, 3 फुटबॉल भी लिए उन्होंने, 3 फुटबॉल वो भी नहीं छोड़े। उसके बाद उन्होंने शहद नहीं छोड़ा, उन्होंने चाय नहीं छोड़ी, जैम भी नहीं छोड़ा, जैम वो भी ले लिया। उसके बाद चॉकलेट तो पता है ना आपको, उन्होंने बच्चों को बांटनी होती तो चॉकलेट तो उन्होंने छोड़नी नहीं थी। पायरेक्स की प्लेट, पता नहीं पीतल की प्लेट, तांबे की प्लेट, हर प्लेटें इन्होंने वहां जमा की। इसका मतलब क्या है डॉक्टर तस्लीम? ये जो है, ये तो हमारे जो गरीब लोग हैं उनका ये पेट क्या, कपड़े क्या, ये उनकी कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज एक इनको नशा है, एडिक्शन है, इनको नशा है लूट के खाने से, तो आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि जज साहब ने कहा है कि आप 2002 का रिकॉर्ड भी लेके आए,
और दूसरी अच्छी बात जो ये है कि ये जो सारा हमें बंदूकें मारी, हम पे कैनन फेंके तोशाखाना केस में, इसके मुताबिक सब पे हेलीकॉप्टर क्या, पूरी फौज क्या, पूरी पैरामिलिट्री क्या, इन सब पे तोशाखाना केस अगर खान की घड़ी पे ये हुआ है तो इनके ऊपर तो इंशाल्लाह आप देखना कि इनके ऊपर एक एक के ऊपर 22 करोड़ आवाम तान के खड़ी होगी अगर इंसान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मॉरल वैल्यूज जो हैं वो ये बिल्कुल इनमें है ही नहीं। और जैसे आप कह रही हैं कि अगर केस बनाने चले तो सबसे बड़ी बात तो ये है, बल्कि मुजम्मिल साहब अगर आप इस पे ऐड करना चाहें कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने कारें ली जो कि आपको मालूम है कि वो लेना अलाउ ही नहीं है तोशाखाना से, तो जरदारी ने भी ली और नवाज शरीफ ने भी ली तोशाखाना से। देखें जी, सबसे पहले मैं इस पे आता हूँ, सोशल मीडिया पे इस वक्त जो है जो हमारा मुखालिफ मीडिया कह लें, वो जो है जो 15-14 मार्च की जो है ऐसी ऐसी फुटेजेस जो माजी में कोई मतलब TLP के एहतजाज में कोई मारपीट की हुई वो, या लाल मस्जिद में जो हादसा हुआ उसकी वीडियो फुटेजेस, एक वो नीला पीला चैनल है वो लगा हुआ लगा रहा है, उसके साफी लगा रहे हैं, और कोई इररेलीवेंट से आदमी जो है, अगर कोई हमारे बारे में किसी ने, वो एक लड़की है मलिया हाशमी, पता नहीं उसने क्या लिख दिया सुबह कि वो KP से मुहाफिज आ गए, यूं आ गए, वो आ गए ट्रेन, तो उसको जो है वो नीले पीले साफी जो है उनके जितने भी हैं वो उसको लगा रहे हैं, देखें जी ये दहशतगर्द आ गए। तो ये देखें, इनको मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैसेज देना चाह रहा हूँ, बच्चों ये जो है 2023 है, ये 1990 का जंग अखबार नहीं है और PTV नहीं है कि जो लिख दोगे वो हो जाएगा। इधर ये तस्वीर लगाते हैं और उधर ही साथ ही ना उसका सबूत लगा देते हैं, इस तारीख को ये छपी थी, इस तारीख की ये वीडियो है। वो एक एजाज सैयद जो आजकल यूट्यूबर बना हुआ है, वो अभी उसने जो है ना कोई पुलिस वालों की मार कुटाई की जख्मी तस्वीरें लगा दी ये वो करके, और उसको जो है 15 मार्च से जोड़ दिया, वहीं पे उसको अभी जलील कर रहे हैं लोग, कोई इसको इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट कह रहा है, कोई उसको तस्वीरें उसको दिखा रहा है कि ये इनकी छपी हुई है ये। तो ये देखें, सबसे पहले तो ये जंग है हमारी, ठीक है ना, और ये इन जैसे ये जो बददियानत लोग हैं जो पाकिस्तान में हैं, इनके साथ हमारी जो है ना जंग है, और इनको तो पहले जो है ना इनका शक्ल दिखाई जाए कि ये कितने बददियानत है, और लोगों को बताया जाए कि ये किस तरीके से झूठ बोलते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये जो बयानियां बना रहे हैं, अब वो जो है एक और नीला पीला साफी है, उसने कहा जी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने बंदूक टांग दी, ये कर दी, वो कर दी, बकवास करता है, और फिर उसके बाद सवालात करने लग गए कि जी ये जो है कल को अगर जरदारी कोई अगर सिंध पुलिस बुला ले, और ये बुनियाद किसने डाली थी, जब रिजीम चेंज हुआ था तो सिंध पुलिस को सिंध हाउस में किसने बुलाया हुआ था, और वहां पे जो लोगों को जो है वहां पे शेल्टर दे रहे थे, और उसके बाद आज भी मेरे हिसाब से जो है बिलावल को सिंध पुलिस की जो है वो देते हैं फॉरेन ऑफिस में वो, तो ये किस तरह की बातें करते हैं, और इन्होंने सिंध पुलिस सामने खड़ी की थी जब वो रिजीम चेंज का मामला था, जब लोग गए थे प्रोटेस्ट करने बाहर उस गेट पे, तो सिंध पुलिस ने बंदूकें तानी थी लोगों पे एक फेडरल कैपिटल में। तो ये बकवास करते हैं, इन सालों को कुछ पता है नहीं, और ये सारे दयानतदार बनते फिरते हैं, और ये वो इनको एक्सपोज कर रही है अवाम, हमारे वॉलेंटियर्स एक्सपोज कर रहे हैं। अब आप आ जाए इस पे, ये जो तोशाखाना वाली बात है, देखें अभी तो सबसे पहले तो सवाल मेरे तो अलग ही है ना, जिसने जिसने घड़ियां ली वो पहले घड़ियां दिखाएं कि उनके हाथ में उनके घर पे हैं कि नहीं है, ठीक है ना। गाड़ियां तो इलीगल था ना तोशाखाना में, वो आपको प्राइम इमरान खान को मिली थी, उसने प्राइम मिनिस्टर पूल कार में दे दी थी ना, वो तो इलीगल है, वो तो जुर्म है। अभी पहले तो वो दिखाएं घड़ियां, नंबर एक, फिर उसके बाद वो दिखाएं कि जब इन्होंने खरीदी थी तो इन्होंने अपने गोशवारों में और इलेक्शन कमीशन को शो की थी कि नहीं की थी। बिल्कुल, तो ये सारी कहानियां, ये जो शायद खान साहब फरिश्ता बन के घूमते थे कि जी वो अपनी गाड़ी भी इस्तेमाल खुद करते हैं, वो तो दफ्तर भी पैदल आते हैं, और वो कपड़े भी जो है बड़े एक ही रंग के पहनते हैं, तो वो उनकी तो कली, फिर वो जो है जो दो सबसे बड़े इनके जिसे कहते हैं ना कि एक अरस्तू साहब, वो जो है लगे हुए थे, तो अब वो 15 मार्च को जो है ताकि क्वालिफाई ना हो जाए तो पैसे जमा करा रहे थे पकड़ के, 2017 के डॉलर की घड़ी के रेट जो है 2023 में अदा कर रहे हैं। तो ये कहानियां छोड़े, ये तो इन्होंने 2 दिन तवज्जो को इधर उधर किया है, ये तो पूरी की पूरी लॉट उड़ेगी अब,
और ये 2001 मुझे तो असल इंतजार है 88 से 2001 के रिकॉर्ड का, सही बिल्कुल ये थे इनके दो दो दौर, और इसमें तो दबा के दो नंबरियां हुई हैं, उसको आने दे जरा सामने, वो जब आ जाएंगी ना सामने फिर होगा असल मैदान लगेगा। और इन इनके चेहरे तो अभी वैसे लोगों ने देख लिए, और रहा सवाल ये कि ये तमाम चीजों से जो है ना ये माहौल बना रहे हैं कि जी वो इलेक्शन इलेक्शन। दिलीप आप जरा इसमें जरूर एक कमेंट कर दीजिएगा जाते जाते कि कल से ये चल रहा है कि जी वो लाहौर में जमान पाक की वजह से उम्मीदवार जो है अपने कागजात नामजदगी नहीं कर सके, तो इलेक्शन कमीशन लाहौर इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त की है कि लाहौर के इलेक्शन मुलतवी कर दे। सुनने में ये आ रहा है कि मरियम भी अब लाहौर से नहीं लड़ी, गुजरावाला से लड़ने जा रही है, क्योंकि उसको पता लाहौर में तो हो गया सफाया, और वो उनकी एक वो जो बट करके कोई लड़की है जो वो जो रिजर्व सीट में थी उसको दो सीटें दी हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो क्या उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे, इनको चक्कर क्या है जो ये सारी बात हुई है इसमें जरूर, क्योंकि आप तो अमली सियासत में है तो आप हमें जरूर बताएं इसमें। हिना परवेज भट्ट का कह रहे जी मुजम्मिल आपके बहुत ही पर्टिनेंट माशाल्लाह, और आपकी एनालिसिस हमेशा बहुत जामे होती है, आपने बड़ा अच्छा ये सारे सवाल किए, और ये सवाल हम सारों को करेंगे इंशाल्लाह, आप देखना सोशल मीडिया पे भी ये उभरेंगे। देखिए बात क्या है, बात है ये इलेक्शंस को फेस कर ही नहीं सकते इन्होंने हमेशा। कल परसों आपने काकानाबाजी ने कहा 71 के बाद सारे इलेक्शन जो है वो फिक्स थे, यानी ये चार दफा आए हैं, चारों दफा खुद कहते हैं कि फिक्स्ड इलेक्शन से आए। अब पहले ये एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आते थे, हमने तीन इलेक्शन जीते हैं जहां 13 पार्टियां इकट्ठी होके एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी पैसा मशीनरी सब कुछ, एक हमने 17 जुलाई को 15 सीटें जीती बीच में से, इन सबको हरा दिया धांधले के बावजूद, धांधले के बावजूद। उसके बाद 16 अक्टूबर को हरा दिया, अब जामपुर में हरा दिया। तो इनको अब समझ नहीं आ रही, इनको पता है कि सारा कुछ मिलाने के बावजूद दौलत ताकत जिसको कहते हैं सारी मशीनरी मिलाने के बावजूद ये हार जाएंगे। अब ये हेले बहाने कर, और ये सारा कुछ इसीलिए है कि वो जी छींक आ गई है तो वो नहीं हो सकते इलेक्शन। अच्छा जी वो मतलब सारी नफरी हम पे कर दी है, और फिर कहते हैं कि जी नफरी अवेलेबल ही नहीं है। PSL के ऊपर आप आके देखें लाहौर के अंदर, वो पूरी फौज वहां अवेलेबल है और इलेक्शंस के लिए अवेलेबल नहीं। तो सॉरी टू से एक एक बच्चे को पता है, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो जो टेक अवेज है फ्रॉम दो दिन की। मैं आपको बताऊं, ये जो हम किताबों में पढ़ते थे ना, ये मुजम्मिल ने जो बात की बिल्कुल मेरे दिल को लगी कि हम हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने सादत दी है कि हम एक ऐसे इरा में हैं जहां हमें ये देखने का मौका मिला जो हम किताबों में पढ़ते थे कि एक सच्चा लीडर हो और वो डट के खड़ा है और वो निडर हो, नंबर वन। नंबर टू वो एक कॉज ऐसा हो जो अपने से ऊपर अपनी जात से ऊपर के लिए लड़ रहा हो, एक मकसद के लिए, काम के लिए, बिल्कुल नहीं कि इन्होंने अपने एवन फील्ड और रायमंड के माल भरने हैं। उसने अपना सब कुछ दे दिया हुआ है, वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, वो हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है। ये नंबर टू कि बिगर कॉज देन योरसेल्फ, अपने से बड़ा मकसद, सच्चा लीडर हो और उसके बाद वो कौम को इकट्ठा करे बजाय डिवाइड करने के। डिवाइड तो वो जो बातें हैं मैंने देखा वहां, मैंने देखा कि जात पात उम्र बैकग्राउंड सब मिट के ये तीनों चीजें इकट्ठी हो गई और हमने नामकिन को मार दिया। तो ये नहीं है कि हम हर शायद हर बैटल जीते, लेकिन जंग हमारी वही है, जहाद हमारा वही है। शायद कुछ जंगें हम हार जाएं, कभी हो सकता है इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाएं, कभी हो सकता है कोई कोर्ट के केसेस हम ना जीते, लेकिन जो असल मकसद है कि पाकिस्तान पाक लोगों से पाक करना है और इलेक्शंस करवा के सही लोगों को लेके आना है इंशाल्लाह। जो मैंने 14 और 15 को देखा है, अल्लाह ताला और इस पूरी कौम को इकट्ठा करके इस कुव्वत के साथ, ये जो कुव्वतें हैं जो बड़ा अपने पैसे पे और कुर्सियों पे जोम करती हैं, ये तड़क तड़क करके गिरी, ये फ्लैट हो गई। ये तो बताएं इलेक्शन मरियम लाहौर से क्यों नहीं लड़ी, कि लाहौर में वाकई में इनका सफाया हो गया, ये जो इधर उधर दूसरे शहरों में जा रहे हैं और ये जो है बेचारे वो अपने आपने देख कर लिए
मुजम्मिल आपने सीन्स तो देख लिए लाहौर में जमाने के बाद, अब इसमें के शख्स से रहा नहीं। आप सही कह रहे हैं, आपको पता है मरियम जहां, आप बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, मरियम जहां सोशल मीडिया कन्वेंशन कर रही है, अब वो जलसियां भी नहीं रही, कॉर्नर मीटिंग्स भी नहीं है, ये जा ही नहीं सकती, ये जा नहीं सकती क्राउड में, ना क्राउड को इकट्ठा कर सकती है। तो इसलिए इन्होंने गुजरांवाला चूज की अपनी तरफ से वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां इनका मार्जिन बहुत हाई था, लेकिन यही सोच के इन्होंने 17 जुलाई को भी किया था वो इलेक्शन और ये हार गए थे। मरियम को इबरतनाक शिकस्त होगी। अच्छा है, तीन से लड़ रही है, तीन से, 173 से, 153 से और 148 से लड़ रही है, तीनों से लड़ रही है। और आप देखना ये सारी कौम जो है ना, ये सारा फोकस करेगी कि मरियम को ऐसी बिस्ती होगी ना, ऐसी हम ना उर्दू में कहते हैं बेइज्जती, लेकिन पंजाबी में हम कहते हैं जी बिस्ती, और फिर बहुत ही जो नीचे लेवल की होती है बिस्त, इसकी बिस्त होनी। देखें वो मुजव्वल आपने बिल्कुल सही कहा, ये बेचारी भाग जाएगी, ये ना लाहौर से भी अप्लाई कर रही है, गुजरांवाला से भी, बहुत सी जगह से अप्लाई कर रही है, ये मेरे ख्याल है फाइनली लंदन जाके वहीं से अप्लाई करेगी या जिनीवा से जहां उसने अपनी सर्जरी कराई है, क्योंकि यहां उसको पूरे पंजाब में कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है, आप याद रखना। ओके जी, इंशाल्लाह ताला। ओके, थैंक यू सो मच आप लोगों के इनपुट का। देखें जो बात मैं फिर से एंड में यही कहूंगी कि हमने अगरचे पिछले 2-3 दिन में रियासती दहशतगर्दी देखी, लेकिन 2 वीडियोस थी जिन्होंने मुझे बहुत, जैसे कहें कि पॉजिटिव जो हमारा इमेज था पाकिस्तान का, एक वीडियो वो थी जिसमें एक खातून है जो बच्चों के सामने आ रही है और कह रही है कि मैं ये सहूंगी, ये बुरा करते हैं, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूंगी, तुम पीछे रहो, मैंने अपनी उम्र गुजार ली है। और जबकि बच्चे जो है, लड़के जो है, वो कह रहे हैं नहीं नहीं आप हमारी माँ हैं, आप जब बेटे सामने हैं तो आप पीछे रहें। उस वीडियो ने, और एक और वीडियो है जिसमें उसके जो वो है आंसू गैस के बाद कुछ लड़के हैं जो गोल गोल घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं आजादी आजादी। तो ये जो 2 वीडियोस हैं, ये हमारे पाकिस्तान का जो है वो ट्रू इमेज है, वो ब्यूटीफुल है, मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं बात करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान जो है वो पॉजिटिव साइड पे इंशाल्लाह जो है, ये सफर अभी मुश्किल है लेकिन वो सफर शुरू हो चुका है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।